चैप्टर 13 इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। देखो इसमें हम ग्राफ बनाएंगे, इस वर्कशीट में, वर्कशीट 2 है ये। फॉलोइंग टेबल गिव्स द टेम्परेचर एट 12 नून ऑन 7 सक्सेसिव डेज इन दिल्ली। ठीक है, अब हमें ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि भाई 7 दिनों का ये टेम्परेचर दे रखा है हमको। डे 1 का टेम्परेचर था 14 डिग्री सेल्सियस, डे 2 का टेम्परेचर था 18 डिग्री सेल्सियस, ऐसे डे 3 का दिया हुआ है, डे 4 का, डे 7 का ये टेम्परेचर दे रखा है, 7 डेज का टेम्परेचर हमें दे रखा है और हमने इस इन्फॉर्मेशन को ग्राफ से दिखाना है। ठीक है, आपको पता है मैंने पिछली एक्सरसाइज में कराया था आपको कि भाई एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। ठीक है, ऐसे ही हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेके क्या बनाना है, एक ग्राफ बनाना है और इसको डे को और टेम्परेचर को इसका हमने क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डे विल बी टेकन, जो डे है उसको हम ले लेंगे एक्स एक्सिस पर। ठीक है, डेज को ले लेंगे हम एक्स एक्सिस पर, जैसे देखो मैंने किया हुआ है कि भाई ये जो डेज हैं इनको ले लेंगे हम एक्स एक्सिस पर और जो टेम्परेचर है उसको ले लेंगे हम वाई एक्सिस पर। ठीक है, अब आप ये पूछोगे कि डेज को यहाँ क्यों लिया और टेम्परेचर को यहाँ क्यों लिया। देखो, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है इनडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल जो किसी पर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे आप टेम्परेचर किस पे डिपेंड कर रहा है, डेज पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, कि इस दिन कितना टेम्परेचर होगा, अगर डे 2 है तो टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, डे 3 है तो टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। तो टेम्परेचर किस से चेंज हो रहा है, डेज से चेंज हो रहा है, यानी कि टेम्परेचर किस पे डिपेंड कर रहा है, डेज पे डिपेंड कर रहा है। तो डेज तो हो गया इनडिपेंडेंट, डेज हो गया इनडिपेंडेंट वेरिएबल और जो डिपेंड कर रहा है वो क्या हो गया, टेम्परेचर, टेम्परेचर हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि कहने का मतलब ये है, आपने जो इनडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको एक्स एक्सिस पर रखना है और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, उसको वाई एक्सिस पर रखना है। ठीक है, अब आपको समझाते हैं आगे कैसे है भाई। तो पहला पॉइंट आपको समझ आ गया कि डे विल बी टेकन ऑन एक्स एक्सिस और टेम्परेचर को ले लिया हमने वाई एक्सिस पर ले लिया। अब हम स्केल चुनेंगे इसका, कैसे हम स्केल चूज करेंगे, क्या चूज किया हमने, एक्स एक्सिस एक डे को हमने 2 बिग डिवीजन में ले लिया। एक डे है ना जो यहाँ से लेके यहाँ तक ले, मान लो कि उसको हमने ले लिया कितना, 2 बिग डिवीजन्स मान लिया। अगर आप ग्राफ में बनाओगे तो ग्राफ में ये एक डब्बा यहाँ से लेके यहाँ तक कह लो, या यहाँ से लेके इस पॉइंट तक कह लो, ग्राफ का एक डब्बा, कोई भी एक डब्बा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये होता है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना होता है 1 सेंटीमीटर, और ये कितना हो गया 2 सेंटीमीटर, ये कितना हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप ऐसे भी ले सकते हो भाई, ऑन एक्स एक्सिस 1 डे हमने ले लिया किसके, 2 बिग डिवीजन। अब आप ऐसे भी कह सकते हो 1 डे किसके इक्वल ले लिया हमने, 2 सेंटीमीटर के इक्वल ले लिया। ऐसे भी कह सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 डे हो गया, फिर यहाँ से लेकर 2 डे हो गया, फिर 3 डे, ऐसे हमने ये ले लिया। ठीक है, ये तो डेज ले लिया नीचे हमने। अब ऑन वाई एक्सिस 1 डिग्री सेल्सियस हमने मान लिया वन बिग डिवीजन। ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस हमने मान लिया, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 1 डिग्री सेल्सियस, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 1 डिग्री सेल्सियस, 13 डिग्री, क्योंकि 13 डिग्री से शुरू था इसलिए हमने 13 डिग्री से ही ले लिया। 13 डिग्री, 14 डिग्री, 15 डिग्री, 16 डिग्री, 17, 18, 19, 20। ठीक है, इस तरह से हमने इसको ले लिया। ठीक है, और ये जो आप ये ऐसा इस टाइप का ऐसा निशान देख रहे हो, इसको बोलते हैं किंक का निशान, KINK, किंक। किंक मीन्स कि भाई ये जो हमारा डाटा है वो 0 से शुरू नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि भाई ये जो डाटा है ये 0 से शुरू नहीं हो रहा है। इस किंक को हम तभी लगाते हैं क्योंकि ये 13 से शुरू हो रहा है और ये किससे शुरू हो रहा है, 1 से शुरू हो रहा है, तो 0 से ये दोनों शुरू नहीं हो रहे हैं, तो ये किंक का साइन हम तभी लगाते हैं। ठीक है, आप फिर सीधी लाइन लिखने की लगाने की बजाय ऐसा थोड़ा सा ऐसे कर दो, ठीक है, ये कीड़ा सा बना दो। ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे हम, किंक का साइन बोलेंगे। ठीक, अब देखो, अब हमने इस इंफॉर्मेशन को, ठीक है, एक तरफ लिख लिया हमने डेज और एक तरफ लिख लिया हमने क्या, टेम्परेचर। देखो मैंने डेज को 2 सेंटीमीटर के इक्वल लिया है, या आप कह लो 2 बिग डिवीजन के इक्वल लिया है, आप 1 डिवीजन के इक्वल भी ले सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसा मैंने खुला खुला इसलिए लिया है ताकि अच्छा ग्राफ बन जाए। ठीक है, आप 1 भी ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
एट ऐसे भी ले सकते हो, ठीक है, और मैंने दो लिया है ऐसे भी कर सकते हैं हम, इससे थोड़ा सा ग्राफ थोड़ा सा ओपन बनेगा, खुला बनेगा, ठीक है। अब पहला पॉइंट है भाई, देखो पहला है डे वन में 14 डिग्री सेल्सियस था, डे वन में कितना टेम्परेचर था 14 डिग्री सेल्सियस, तो डे वन में चलो डे वन में कितना था 14, ये 14 डिग्री पे आ गए, तो आपको पता है एक्स ये पहले लिखते हैं, एक्स एक्सिस वाला पहले लिखते हैं और वाई एक्सिस वाला बाद में लिखते हैं, तो इसका इस पॉइंट का नाम आ गया, देखो यहाँ से वन है, इधर से क्या है ये वन है, और इधर से क्या देखना है 14 देखना है, इधर से वन देखना है, इधर से 14, ठीक है, तो ये पॉइंट क्या हो गया, ये वाला जो पॉइंट हुआ ये हो गया 1 and 14, ठीक है। आप दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है 2 and 18, ऐसी यहाँ से 2 देखो, एक्स एक्सिस से 2 देखो, मतलब x का कोऑर्डिनेट 2 है और y का कोऑर्डिनेट 18 है, ठीक है, ये इसकी सीध में देखो ये वाला, ठीक है। अब ये दूसरा पॉइंट ये हो गया 2 and 18, 2 और 18, और तीसरा पॉइंट कह रहा है भैया, तीसरा पॉइंट कह रहा है ये 3 and 16, तो ये 3 है इधर से 3, x से 3 लो और ये y से लो 16, तो ये पॉइंट हो गया 3 and 16, और उसके बाद आ गया भाई 4 and, उसके बाद आया पॉइंट 4 and 13, 4 ये 4 है और ये क्या है 13 है, ठीक है, ये 4 आ गया, यहाँ x एक्सिस से 4 आ गया और इसकी सीध में जब हमने देखा ये 13 है, तो ये पॉइंट है 4 and 13, उसके बाद आ गया 5 and 19, ये 5 है इधर से 5 देखा और 19 इसकी सीध में देखा, ये 19 है और इधर से ये 5 है, तो ये पॉइंट हो गया 5 and 19, उसके बाद आ गया 6 and 20, तो ये 6 है, ठीक है, और ये इधर से ले लिया हमने, इधर से ऐसे लिया, तो ये आ गया 6 and 20, और लास्ट वाला पॉइंट क्या है, लास्ट वाला पॉइंट है हमारे पास 7 and 17, ये 7 है और ये 7, इधर से ले लिया 17 और इधर से ले लिया 7, ठीक है, तो ये आ गया 7 and 17, ठीक है। अब ये हमने सारे पॉइंट क्या कर लिए, इस पर ड्रॉ कर लिए, अब क्या करेंगे हम इसको, या तो फ्री हैंड से मिला लो या आप स्केल के साथ इन सभी पॉइंट को मिला लो, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से आप मिलाओगे, आप ऐसे ये मिला लिया हमने, ठीक है, और फिर इसके बाद ये आ गया, फिर इसके बाद ऐसे आ गया, फिर इसके बाद ऊपर ऐसे गया, ठीक है, और इसके बाद फिर हमारे पास ये पॉइंट आ गया, ठीक, नहीं ये गलत कर दिया मैंने, पहले ये वाला पॉइंट आएगा, पहले आएगा ये वाला पॉइंट, ठीक है, और लास्ट में आएगा ये वाला पॉइंट, ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं जो हमने गलत कर दिया था, ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, एक क्या बन गया हमारा, ये ग्राफ बन गया, ये वाला पॉइंट था 4 13 के बाद था ये 5 19, ठीक है, जो जो पॉइंट आए हैं उनको मिला दो, इसको इसके साथ मिलाया, फिर इसके साथ मिलाया, फिर इसके साथ मिलाया, फिर ऊपर ऐसे चले गए, फिर ऐसे चले गए, फिर ऐसे आ गए, ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गया, किसका, डे का और टेम्परेचर का क्या बन गया, हमारे पास ग्राफ बन गया। अब इससे हम आसानी से बता सकते हैं कि पहले डे में कितना टेम्परेचर था 14, दूसरे डे में कितना था 18, तीसरे डे में टेम्परेचर कितना था 16, और चौथे डे में कितना था 13, ऐसे हम इसको ग्राफ को देख के आसानी से हम बना सकते हैं, ठीक है, तो ऐसे ही करने हमने ये सारे क्वेश्चन, अब जल्दी से करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल फील्ड इन ए बाइक एंड कॉस्ट ऑफ पेट्रोल आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। अब क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल है और लीटर्स ऑफ पेट्रोल फील्ड है और कॉस्ट ऑफ पेट्रोल है, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। हम ये कहेंगे कि भाई जो पेट्रोल है, ठीक है,
ठीक है, वो क्या है, इनडिपेंडेंट वेरिएबल है, और कॉस्ट ऑफ पेट्रोल क्या है, वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। कैसे, जैसे जैसे हम ज़्यादा पेट्रोल भरवाएंगे वैसे वैसे हमारी कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। यानी कि कॉस्ट किस पे डिपेंड कर रही है, पेट्रोल जितना हमने भरवाया है उस पे डिपेंड कर रही है। हम अगर एक लीटर भरवाते हैं तो हमें कम पैसे देने पड़ेंगे, दो लीटर भरवाते हैं पेट्रोल तो ज़्यादा देने पड़ेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉस्ट ऑफ पेट्रोल है वो किस पे डिपेंड कर रही है, जितना हम पेट्रोल लेंगे क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल पे डिपेंड कर रही है। तो इसका हमने ग्राफ बनाना है। तो 5 लीटर लिया तो 250 हमारा खर्च हो गया पैसा, ठीक है, 8 लीटर लिया तो 400 रुपीज लग गए हमारे, और 10 लीटर लिया पेट्रोल तो इतना, ठीक है। अब इसको हमने ग्राफ बनाना है। मैंने आपको बताया है कि जो भी हमें, जैसे हमने नीचे लिया है, देखो ये देखो ग्राफ देखो, लीटर ऑफ पेट्रोल फील्ड हमने नीचे क्या लिया है, क्या एक्स एक्सिस पे क्या लिया है, एक्स एक्सिस पे लिया है हमने कि कितना पेट्रोल है। यानी कि जो इनडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, यानी कि जो किसी पे डिपेंड नहीं करता, वो एक्स एक्सिस पे लेते हैं, और जो डिपेंड करता है वो वाई एक्सिस पे लेते हैं। तो इधर ले लिया हमने लीटर ऑफ पेट्रोल, और इधर ले लिया हमने कॉस्ट ऑफ पेट्रोल, ठीक है। अब देखो लीटर ऑफ पेट्रोल का कहाँ से कहाँ तक था भाई, सबसे छोटा 5 है और सबसे बड़ा क्या है, 15 है। तो आप या तो 1 से शुरू कर दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे 15 तक ले लो, ठीक है, या फिर आप 5 से भी शुरू कर सकते हो, यहाँ से 5 से शुरू कर दो, 5, 1, 2, 3, 4 ऐसे भी आप शुरू कर सकते हो, जैसे मर्जी आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो इधर तो ले लिया हमने, क्या ले लिया भाई, एक्स एक्सिस पे हमने ले लिया पेट्रोल, और कॉस्ट ऑफ पेट्रोल ले लिया हमने वाई एक्सिस पे। ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे क्या किया हमने, 1 लीटर ऑफ पेट्रोल किसके इक्वल ले लिया, 1 बिग डिवीजन यानी कि 1 सेंटीमीटर के इक्वल ले लिया। 1 लीटर हमने किसके इक्वल ले लिया, 1 लीटर पेट्रोल हमने ले लिया 1 सेंटीमीटर के, ये 1 सेंटीमीटर फिर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, ठीक है, ऐसे 15 तक ले लिया क्योंकि ये 15 तक था, ठीक है। अब ये कैसे लेना है हमने, अब इसमें कितने कितने का डिफरेंस है, आप देखोगे तो इसमें 250 है, फिर 750 है, फिर 500 है, यानी कि हम अगर 50-50 का डिफरेंस ले लें तो ये हमारा काम बन जाएगा। तो हमने लिया सबसे छोटा 250 और सबसे बड़ा 750 है, तो 250 से लिया हमने 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700 और 750, ठीक है, ऐसे ले लिया 50-50 के डिफरेंस से ले लिया। तो हमने क्या लिया, वाई एक्सिस क्या भाई, 50 रुपीज जो कॉस्ट थी वो किसके इक्वल है, 1 बिग डिवीजन यानी कि 50 रुपीज को हमने क्या मान लिया, किसके इक्वल मान लिया, 1 सेंटीमीटर के इक्वल हमने मान लिया इस ग्राफ में, ठीक है। तो 250 से शुरू था, तो 250 से हमने शुरू कर दिया, और ये किंक का हमने साइन लगा दिया, इसका मतलब ये है कि ये 0 से शुरू नहीं है, ये 250 से शुरू है, ठीक है। अब हमने पहला पॉइंट लेना है, हमने पहला पॉइंट लेना है 5 लीटर पेट्रोल कितने का था, 250 का था, ये हमने लेना है 5 लीटर पेट्रोल कितने का था, 250 रुपीज़ का था। तो 5 लीटर, इधर 5 देखो और इधर देखो 250, ये 250 है ये, तो हमने ये पॉइंट ड्रॉ कर लिया 5 एंड 250। फिर उसके बाद क्या था भाई, 8 एंड 400, 8 देखो इधर और इधर से देखो 400, तो ये वाला पॉइंट आ गया हमारा 8 और 400। फिर हमने लेना था 10 और 500, 10 लीटर 500 का, तो इधर 500 ये है और ये 10 है, तो 10 और 500 आ गया। और लास्ट में था 15 और 7, ये वाला पॉइंट 15 और 750, ठीक है। तो 15 लीटर कितने का था, 750 का था, तो इसके साथ हमने ये ले लिया, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमने इसको स्केल के साथ मिला देना है या फ्री हैंड के साथ इसको मिला देना है। जब इसको हम मिलाएंगे ऐसे, देखो इसको हम मिलाएंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन एक आएगी हमारे पास, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आया कि भाई जैसे जैसे पेट्रोल बढ़ेगा वैसे वैसे उसका रेट भी बढ़ेगा, ठीक है, और उसी रेशो में रेट बढ़ेगा, इसलिए क्या आया, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आई है, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था ये, आप आसानी से इसको कर सकते हो।